Good morning, children. Today I will teach you the chapter of chapter four of seventh class. That is tit for tat. This chapter is about cunning people, which do not help others but try to cheat poor people. In this chapter, you will read a story of a porter.

नहीं करना चाहते बल्कि उनको धोखा देना चाहते हैं और जो गरीब होता है उसके उसके खिलाफ ऐसी कोशिश करते हैं कि उसको हार उसको हराने की कोशिश होती है जैसे इन्होंने एक मर्चेंट एक पॉटर था जिसने एक, म, एक एलिफेंट हायर किया अपने सन की शादी के लिए उसने फिर वो मर गया तो उसने कंप्लेंट कर दी अब uh, मर्चेंट जो मर गया एलिफेंट तो फिर उसने कंप्लेंट करी पोर्टर के अगेंस्ट जिसमें केस जो है वो फेवर में पोर्टर के डिसाइड हुआ दिस इज द स्टोरी ऑफ टू हंड्रेड इयर्स एगो दे वॉज ए पोर्टर हु लिव्ड इन ए टाउन ऑफ केरला ही मेड अर्दन पॉट्स एंड सोल्ड दैम इन द मार्केट एंड अर्न मनी फॉर हिज लिविंग He was very happy with his work and earning. He had he had a only son, only child, a son. Though the porter was not a rich man, he had great plans for his son. The porter जो porter एक छोटे से town में रहता था केरला के, वो घड़े बनाता था मिट्टी से. और बाज़ार में बेचकर अपनी अर्निंग का जीविका चलाता था और वो उसका एक ही बेटा था वो रिच नहीं था लेकिन अपने बेटे के लिए बहुत खर्च करता था खाने में पीने में और वो अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में भेजता था जो शहर का सबसे अच्छा स्कूल था विद द पैसेज ऑफ टाइम द बॉय ग्रो अप अंग मैन एंड ऑल्सो गट अ गुड जॉब

तो वो उस अपने बेटे की शादी के लिए बहुत बड़े बड़े प्लान्स बना रहा था बहुत अच्छे से शादी करना चाहता था अपने बेटे की उसमें वो सबसे अच्छा बैंड डेकोरेशन फ्लावर्स, फूड, सब कुछ अच्छे से अच्छा करना चाहता था और वो उसका प्लान एक उसका प्लान था कि मैं ऐसी शादी करूं जो सब लोग उसे याद रखें ही हैड ऑल्सो थाट

प्रोसेशन के साथ जिसमें बैंड बाजा सब कुछ होगा उसमें मैं उन्हें हाथी पे बिठाकर घुमाऊंगा घुमाऊँगा जैसे अमीर व्यापारी और ज़मींदार के बेटों के साथ होता है देर वॉज़ मर्चेंट हु ओन्ड एन एलिफेंट ही हार्ड आउट दिस दिस एलिफेंट टू द पीपल ऑन पेमेंट द पोर्टर वन टू द मर्चेंट एंड हायर द एलीफेंट फॉर अ डे वहाँ पर एक मर्चेंट था जो किराए पर एक हाथी दिया करता था अपना लोगों को उसके पास वो पोर्टर पहुँचा उसने कहा मुझे एक दिन के लिए अपना हाथी दो आफ्टर द मैरिज अ ग्रैंड प्रोसेशन वॉज टेकन अराउंड द सिटी एंड द ब्राइड एंड ग्रूम ड्रेस इन द बेस्ट कॉस्ट्यूम्स वीटेड ऑन the एलीफेंट विच हैड बीन स्पेशली डेकोरेटेड फॉर the ओकेजन शादी के बाद उन्हें एक ग्रैंड प्रोसेशन जो बड़ा जुलूस टाइप में था जिसमें बहुत सारे लोग थे वेक इन वो चारों तरफ शहर में घुमाया घूमाया गया और जिसमें दूल्हा दुल्हन सबसे अच्छे कपड़ों में बैठ पहनाए गए उनको और हाथी पर बिठाया और हाथी को भी बहुत अच्छी तरह से सजाया गया इस अवसर पर दे व फॉलोड बाय अ हैप्पी चेयरिंग क्राउड ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन ड्रमर एंड म्यूजिशियन वॉट वॉक अलॉन्ग साइड प्लेइंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स विद जील जिसमें बच्चे भी थे बड़े भी थे औरतें भी थीं और जिसमें ड्रमर्स ड्रामज भी थे म्यूजिशंस थे जो उसके साथ साथ चल रहे थे और अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत उत्साह से या जील से बजा रहे थे एवरी थिंग वॉज गोइंग फाइन वेन इन द मिडल ऑफ दिडल ऑफ ऑल दिस फन द एलीफेंट सडनली फेल डाउन एंड डाइड द पोटर वॉज शॉक द एलीफेंट हैड बीन क्वाइट हेल्दी नो बडी अंडरस्टैंड व्हाट हैपन सडनली सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो अचानक वो बीच में हाथी एकदम गिर पड़ा और मर गया और ये पोटर कुम्हार जो था वो शॉक्ड हो गया चंबे में आ गया कि हाथी तो बहुत सही था हेल्दी था किसी की समझ में नहीं आया कि अचानक उसको क्या हो गया ऑल दो दल थ्रू द नाइट द पॉटर कैप थिंकिंग ऑफ द प्रॉब्लम नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू द मर्चेंट एंड टोल्ड हिम एवरी थिंग ही प्रॉमिस् टू पे हिम द फुल प्राइज ऑफ अनदर एलिफेंट इन रिटर्न सारी रात ये सारी रात तो सोचता रहा फिर दूसरे दिन वो मर्चेंट के पास गया उसने सारी बात बता दी उसने कहा कि मैं इसके बदले में तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम दूसरा हाथी खरीद लेना मर्चेंट वैरल सम बाई नेचर ऑन हेयरिंग द डेथ ऑफ हिज एलिफेंट ही लॉस्ट कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ ही स्टूड अप एंड बिगन टू शाउट एट द पॉटर ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी मनी एंड इंसिस्टेड दैट द सेम एलिफेंट शुड बी रिटर्न टू हिम उसने जैसे ही अपने हाथी के मरने के बारे में सुना तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और जोर जोर से वो कुमार पर चिल्ला कुमार पर चिल्लाने लगा उसने कहा मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए मैं कुछ नहीं लूँगा मुझे वही हाथी वापस करो बट नाउ कुड द पॉटर बट हाउ कुड द पॉटर ब्रिंग बैक द सेम एलिफेंट सो द मर्चेंट वेंट टू द कोर्ट एंड लॉज कंप्लेंट अगेंस्ट द पोर्टर वो कैसे लौटा सकता था मरे हुए हाथी को तो उसने जाकर उसके खिलाफ याचिका दायर कर दी द केस केम अपॉर हेयरिंग द जस्ट एज द मर्चेंट अबाउट द अबाउट हिज कंप्लेट द मर्चेंट सेट दट द पोर्टर हैज बोरोड हिज एलिफेंट फॉर अ डे बट ही डिड नाट रिटर्न इट उसने कहा कि मेरा हाथी इसने एक दिन के लिए लिया था इसने मुझे वापस नहीं किया द जज टर्न टू द पोर्टर एंड आस्क वाई ही डिड नॉट रिटर्न द एलिफेंट वो द पोर्टर कंप्लेन द होल एक्सप्लेन द होल स्टोरी एंड पुट फॉरवर्ड द सेम ऑफर ही मेड टू द मर्चेंट उसने फिर सारी कहानी बताई और उसके बाद ये भी कहा कि मैंने मर्चेंट को यह ऑफ़र दिया था कि मैं दोबारा उसी इतनी पैसे दे दूंगा कि तुम नया हाथी खरीद लो द जज थॉट दैट द ऑफ़र वॉज़ वेरी फेयर इंडीड ही ट्राइज टू मेक द मर्चेंट एग्री टू ऑफर उनने जज ने सोचा जो इसने कहा है ये बिल्कुल सही है वो मर्चेंट को कोशिश करता रहा मनाने की कि ये मान जाए इसके ऑफर के लिए बट द मर्चेंट फ्लैटली रिफ्यूज टू लिसन ही ऑल्सो ही ऑल्सो एडमेंट दैट ही वॉन्टेड ओनली हिज एलिफेंट एंड आज द जज टू कंपेल द पॉटर टू रिटर्न द सेम उसने कहा मैं कुछ मैं कुछ नहीं जानता उसने सीधे सीधे मना कर दिया मुझे नहीं मैं नहीं कुछ की बात सुनूँगा उसने ज़िद्दी पने में ज़िद्दी बन हो गया एकदम जिद पकड़ गया कि मुझे वही हाथी दो मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए द जज वॉज़ अ वाइज मैन ही सॉ दैट इट वॉज़ नो यूज़ आर्ग्यूइंग विद द मर्चेंट सो ही पोस्टपोन द हियरिंग टिल द फॉलोइंग डे वो एक जज एक अकलमंद आदमी था उसने सोचा कि इसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं इसलिए उसने जो हेयरिंग जो अब सुनवाई होनी थी वो अगले दिन के लिए टाल दी वन द मर्चेंट हैड लेफ्ट द जज कॉल द पोर्टर एंड टोल्ड हिम दैट ही न्यू दैट द पोर्टर वॉज मेकिंग ए मेकिंग एन ऑनेस्ट ऑफर सो ही वुड प्रोवाइड द पुअर मैन विद ए प्लान उसने जब वो चला गया मर्चेंट चला गया तब उसने पॉटर को बुलाया उसने कहा कि तुम सही बात कह रहे थे और मैं तुम्हें एक बात ऐसा प्लान तुम तुम्हें गरीब आदमी हो तो मैं तुम्हें, तुम्हें तरकीब बता दूंगा देन द जज विस्पर्ट समथिंग इन द पोटर ईयर्स पोर्टर नोटेड एंड वेंट अवे स्माइलिंग उसने तब उसके कान में कुछ कहा और जो वो कुमार सर ने सर हिलाया और हंसता हुआ चला गया वैन द कोर्ट रीओपन द फॉलोइंग मॉर्निंग देर वॉज नो ट्रेस ऑफ द पोर्टर द मर्चेंट वॉज मूविंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट एंड कंप्लेनिंग लाउडली द पोर्टर हैज़ रन अवे अगले दिन जब दोबारा कोर्ट खुला तो वहाँ उसका वहाँ पे उसे पोर्टर दिखाई नहीं दे रहा था तो मर्चेंट कभी इधर उधर घूम रहा था और ज़ोर ज़ोर से कह रहा था चिल्ला के कि पोर्टर कहीं भाग गया आफ्टर वेटिंग इम्पेशेंटली फॉर सम मोर टाइम द मर्चेंट सेट टू द जज दैट द पोर्टर माइड बी हाइडिंग एट हिज हाउस सो ही

आ निरा मैं मेरे साथ किसी को भेज दो मैं खुद ही उसे ले आऊँगा एट लास्ट द जज एग्रीड एंड ऑर्डर अ जूनियर कोर्ट ऑफिसर टू अ कंपनी द मर्चेंट ऑन रीचिंग द पोर्टर हाउस द मर्चेंट नॉक्ट एट द डोर बट दे वॉज नो रिप्लाई सून ही ग्रोइंग पेशेंट एंड बिगैन टू हैमर एट द डोर विद हिस फीस्ट एंड कॉल्ड आउट पोर्टल नेम एट द टॉप ऑफ हिस वॉइस वो वहाँ पहुँचा उसके घर तो उसने पहले तो दरवाज़ा बजाया फिर जो उसमें कोई जवाब नहीं आया फिर धी, फिर उसे धीरे धीरे फिर और ग़ुस्सा बढ़ा उसने दरवाज़े पे एक लात मारी पहले आवाज़ दी उसको ज़ोर ज़ोर से उसने नहीं सुना ले फिर दे वॉज नो नो रिस्पॉन्स जब रिस्पॉन्स नहीं मिला जब घर से कोई आवाज़ नहीं आई तब उसने क्या उस उसका टेंपर लूज होने लगा गुस्सा ज़्यादा बढ़ने लगा एट लास्ट द मर्चेंट लॉस्ट हिज टेंपर एंड गिव अ डोर अ माइटी पुश लिटल डू ही नो दैट द पोर्टर हैज पाइल्ड अ हो लॉट ऑफ अर्थन पोर्ट्स अगेंस्ट द डोर विद द पुश दे ऑल केम क्रशिंग टू द फ्लोर जैसे उस जब ज़्यादा गुस्सा आया तो उसने जोर से दरवाजे को धक्का दे दिया जैसे उस और उसने क्या चालाकी कर रखी थी कुमार ने दरवाजे पर ही सारे घड़ों को लगा रखा था चुन दिया था जैस उसने जैसे ही धक्का दिया सारे घड़े गिर गए और टूट गए सब एंड दैट वेरी मिनट द पोर्टर केम चार्जिंग आउट ऑफ द बैक डोर क्राइंग लाउड फॉर हिस्स पॉट्स तभी वो पिछले दरवाजे से निकल के आया ज़ोर जोर से चिल्लाने लगा ही शाउटेड एट द मर्चेंट दैट ही डिस्ट्रॉयड हिज एंसेस्ट्रियल पॉट्स देन ही वेंट टू द जज टू कंप्लेन फिर उसने कहा कि मेरे जो पुरखों की दी हुई घड़े थे वो तुमने सब फोड़ दिए वो फिर अपने अपने केस लेके जज में जज के पास चला गया उसने उसके खिलाफ रिपोर्ट करी वैन दे केम बिफोर द जज द मर्चेंट ऑफर टू पे फॉर द पॉट्स और टू रिप्लेस दैम मर्चेंट उसने कहा या तो तुम पैसे दे दो या घड़े दे दो उसके बदले में बट द पॉटर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑफर एंड डिक्लेयर दैट हिज एंसेस्टर्स हैज गिवेन हिम दीज पॉट्स एंड दे आर इस्पेस्ट रिप्लेसेबल Irre, उसने कहा कि मैं ये घड़े नहीं मुझे तो वही घड़े चाहिए मुझे पुरखों ने दिए थे जिनको जिनको कोई बदल नहीं है वो वो बहुत कीमती थे वो बहुत विशेष थे सो ही डिमांडेड फॉर वेरी सेम पॉट्स उसने कहा मुझे तो वही घड़े चाहिए ना द मर्चेंट वॉज बैफल्ड ही डेडेंट अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर ही

एक्सेप्टेड द ऑफर एंड द केस वॉज सेटल्ड शुरू में तो उसने नहीं माना लेकिन बाद में उसने ऑफर को मान लिया और केस भी सेटल्ड हो गया फाइनल हो गया द क्वारल सम मर्चेंट लॉस्ट ऑन बोथ काउंट्स वेयर ही लॉस्ट इज एलिफेंट एंड गॉट नो मनी आई द इविन द पॉटर

एक हफ़्ते के अंदर दोबारा बना लिया और उनको रिप्लेस करके वहीं पर रख दिया